राजस्थान सरकार ने प्रदेश में रुकी हुई भर्तियों पर जल्द ही नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड प्रशासनिक सेवाओं, राज्य सेवाओं और अधीनस्थ सेवाओं की भर्तियां कैलेंडर के मुताबिक पूरी की जाएं। सीएम गहलोत ने कई विभागों की भर्तियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यूपीएससी की तरह ही समय पर भर्ती विज्ञापन निकाले जाएं, नियमित परीक्षा हो और इंटरव्यू के लिए भी अभ्यर्थियों को ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि किसी भी विभाग की ओर से भर्तियों के नोटिफिकेशन के बाद परीक्षा आयोजित होने और रिजल्ट आने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए विभागों और आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। सीएम गहलोत ने कहा कि सेवा नियमों में आने वाली दिक्कतों के चलते कई बार भर्तियां अटक जाती हैं। ऐसे में जरूरत पड़े तो नियमों में बदलाव करना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जहां तक मुमकिन हो भर्ती का विज्ञापन निकालने से पहले ही संबंधित विभाग ये तय कर लें कि उस परीक्षा की तारीख पर कोई दूसरी परीक्षा तो पहले से निर्धारित नहीं है, जिसके बाद प्रदेश में परीक्षा टालने की जरूरत ही न पड़े। सीएम ने कहा कि एक बार भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो बार बार उसमें संशोधन करना सही नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि न्यायिक निर्णयों के कारण लंबित भर्तियों के बारे में पिछले 4 महीने में हुई प्रगति और करीब 6,000 भर्तियों पर स्थगन आदेश हटना और भर्तियां पूरी होना काफी संतोषजनक है। इसके अलावा बाकी जो भर्तियां न्यायिक प्रक्रिया के कारण अब तक लंबित हैं, उनमें प्रभावी रूप से पैरवी की जाए। मुख्यमंत्री के इस फैसले से बेरोजगारों को नौकरी मिलने में आने वाली अड़चनें खत्म होंगी। इस फैसले का प्रदेश के युवाओं ने स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।